अस्सलाम वालेकुम. ओनली सिक्स स्टूडेंट्स आर हेयर. काइंडली कम्युनिकेट करें, बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लास का टाइम हो गया है तो ज्वाइन कर लें. ठीक है, एम आई ऑडिबल टू यू? सबको जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू मारिया. दो से तीन मिनट और हम वेट कर लेते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम अपना इंट्रोडक्शन भी करते हैं और कुछ कोर्स का इंट्रोडक्शन होगा. आज फर्स्ट लेक्चर है तो इंशाल्लाह फिर हम जल्दी जल्दी से आप बस ज्वाइन कर लें तो हम स्टार्ट करते हैं. Only 12 students still. Okay, I think it's been 7 to 8 minutes. I'm waiting for you people, and I think it's more than enough. हम start कर लेते हैं, आप लोग meanwhile join कर लीजिए. ठीक है ना, ज़्यादा wait नहीं होता. I mean आप सबको पता है class का time है, you all should be in time. चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अबीरा नाज, आई एम योर न्यू टीचर फॉर सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. ठीक है,
आप सब वो स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट आर एन फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने हैं, और यू ऑल हैव बीन प्रोमोटेड टू सेकेंड ईयर. सो ऑब्वियसली आपके सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी फाइनली ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं. और आपकी जो जो सब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वो मुझे दिया गया है. तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कुछ बढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, तो कुछ आइडिया है? कोई डिस्कशन करना पसंद करेगा, शेयर करना पसंद करेंगे कि व्हाट इज अबाउट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? क्या पता है आप लोग को? ऑब्वियसली आप लोग नर्सिंग कर चुके हैं, जनरल नर्सिंग कर चुके हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप तो उसमें भी पढ़ी होगी. कुछ आप लोगों को जो भी पता हो, ये कोई आपका एग्जाम नहीं हो रहा, आपको जज नहीं किया जा रहा, आपका जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में आपका कॉन्सेप्ट है, आपको आइडिया है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे फर्दर इसको लेके चलते हैं. कोई भी स्टूडेंट कुछ शेयर करना चाहें, आपको जो भी पता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में. किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं पता? अच्छा, चलें कोई बात नहीं. अगर आप लोगों को नहीं पता या आप शेयर नहीं करना चाह रहे, सबसे पहले बेटा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लें, अपना कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लें, ताकि आपको पता हो कि हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. इट्स टू मच ड्राई सब्जेक्ट. ओके मारिया, आई एग्री विद यू, बट ऑब्वियसली पढ़ना तो है, तो वी विल ट्राई आर बेस्ट कि हम इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाएं. अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ों को इंजॉय करके पढ़ सकेंगे. बिकॉज़ ड्राई सब्जेक्ट्स मैं एग्री करती हूँ, बट हम अगर इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा हो जाएगा. चले जी, कोर्स ऑब्जेक्टिव हमारे जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ने का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो जो चीज़ें हमने इसमें कवर करनी होंगी, सबसे पहले हम आपको यूनिट्स बता देते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स भी इसके डिस्कस कर लेंगे. यूनिट्स जो हैं बेटा, इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट 1 से. दैट वुड बी अबाउट इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, पब्लिक हेल्थ क्या होती है, रूरल कम्युनिटीज, सबसे पहले कम्युनिटी क्या होती है, फिर वी विल डिस्कस के रूरल कम्युनिटी क्या होती हैं, अर्बन कम्युनिटीज क्या होती हैं, उनकी क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं. देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो एक कहना चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की हिस्ट्री, उसको हम डिस्कस करेंगे. यूनिट 2 जो है वो होगा हमारा अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी. उसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिकली क्या होती है, हम उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए उसकी, हमें ब्रॉडली उसकी एक्सप्लेनेशन हमें आनी चाहिए. फिर प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी. आई एम श्योर आप लोगों ने अपने आरएन में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बट आई डोंट नो कि किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर नहीं किया, वाई. एंड कम्युनिटी एज अ क्लाइंट. अच्छा, एक चीज़ आपको बहुत फर्स्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि दिस विल बी आवर ऑनलाइन सेशन, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बट आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं बोलती रहूँगी और आप सुनते रहेंगे, इस तरह से बिल्कुल भी स्टडी नहीं होती, ठीक है ना? और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि लाइव, मैम लाइव करेंगे क्या? लाइव करेंगे आयशा, क्या पूछना चाह रही हैं आप? तो आपका, आपकी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, हमारा इंटरेक्शन होना ज़रूरी है. उसके बगैर ये सब्जेक्ट ऑल दो ड्राई है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, समझ ही नहीं सकेंगे. सो आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ठीक है जी?
करंट स्टेटस ऑफ द हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका क्या स्टेटस है वो पढ़ना है हमने। इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी, आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है डे बाई डे, एंड यू ऑल नो ये जो हीट वेव्स आ रही होती हैं, इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर, ऑब्वियसली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, तो हमारी क्या हेल्थ से रिलेटेड सेफ्टी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ना है। जी आयशा, आपको लाइव, मैम हम आपको लाइव पार्टिसिपेट करेंगे। जी यू आर अलाउड, कुछ भी शो नहीं होता, क्यों नायाब, क्यों शो नहीं हो रहा आपको? स्लाइड्स मैंने अब मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको स्लाइड्स शो नहीं हो रही। जी आयशा, आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपने इसी तरह से पार्टिसिपेट करना है। दिस इज़ द सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, उसमें आपने मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, यू कैन लिसन टू मी, आपके साथ स्लाइड्स शेयर की जा रही हैं, आप स्लाइड्स को देख सकते हैं। उसके अलावा आप कि जो भी आप वर्बली मुझसे बात नहीं कर सकते लाइव, लेकिन आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप जिस तरह से इस वक्त चैट कर रहे हैं, आप अपना इशू उस चैट में लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको आंसर करूंगी। प्लस मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया है, आई एम श्योर कि आप सब उसमें एडेड हैं, तो कोई क्वेरी आपको होती है आप व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ये हमारा मेथड होगा कम्युनिकेशन का, इंटरेक्शन का। मैम प्लीज़ पीपीटी सेंड कर दें। बेटा पीपीटी अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, मारिया तुफैल, जस्ट लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है। मैं आपको एलएमएस के ऊपर, चलें ये चीज़ें क्लियर कर दूं, ये मेथड होगा हमारा स्टडी का, प्लस एलएमएस के ऊपर अभी थोड़ा सा अंडर प्रोसेस हैं चीज़ें, मुझे जैसे ही एक्सेस मिलता है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इनरोल करूंगी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, एलएमएस के ऊपर, वहाँ मेरी तमाम पीपीटीज अवेलेबल होंगी, ठीक है जी? बट पहले आपको पढ़ना होगा, ये बिल्कुल भी मेरा मेथड नहीं है कि मैं बच्चों को सबसे पहले पीपीटीज प्रोवाइड कर दूं ताकि ना वो टीचर को सुने, ना वो टीचर के लेक्चर में कोई इंटरेस्ट लें, बस उन्हें एक पीपीटी मिल जाए, दैट इज मोर देन इनफ। नो, तो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी, आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, टाइम देना होगा, उसके बाद आपको एलएमएस के ऊपर पीपीटीज भी बिल्कुल मिल जाएंगी, अवेलेबल होंगी, आप वो पीपीटीज जो है वो यूज कर लेंगी। जी जी, मेरी पोस्ट आर इन सेकेंड ईयर, क्या किसी भी स्टूडेंट को स्लाइड शो नहीं हो रही बेटा? अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया मेथड हमारी स्टडी का, प्लस मैंने आपको एलएमएस के बारे में गाइड कर दिया। इंशाल्लाह एलएमएस के ऊपर हम आपके जो है टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट कर लेंगे, एलएमएस के ऊपर आपके क्विज भी होंगे। ये आई थिंक आपका फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन लेक्चर प्लस एलएमएस के ऊपर, तो इसलिए आपको इस तरह की क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। चलें जी, ये चीज़ें क्लियर हो गई। और हाँ राबिया परवीन, नो मैम आई हैव अपलोडेड, बेटा मेरे पास तो शो हो रहा है कि आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। चलें बहरहाल मैं कम्युनिकेट कर देती हूँ मॉडरेटर को, तो इफ शी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इशू, ठीक है जी? एक मिनट मुझे दीजिए, मैं कम्युनिकेट कर दूँ आपका मैसेज। शाहिदा को फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है, इट मींस के आप वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, अपने लिंक को रिफ्रेश कीजिए,
बिकॉज मेरे पास भी शो हो रही है और शाहिदा के पास भी जो है फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है. ठीक है जी, आप प्लीज उसे रिफ्रेश कर लें. चलें जी, हम पढ़ रहे थे. इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ना होगा? हमने एपिडेमियोलॉजी को पढ़ना होगा. एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशंस होंगी, हम वो पढ़ेंगे. एपिडेमियोलॉजी, सर्वेलेंस क्या होता है, सर्वेलेंस क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है किसी भी डिजीज का, दैट वुड बी आवर यूनिट 7. उसके अलावा यूनिट 8 में हमने कम्युनिकेबल एंड ट्रॉपिकल डिजीजेस, कम्युनिकेबल एंड ट्रॉपिकल डिजीजेस का हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. आफ्टर दैट इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो जो कमी जो एक चेन होती है, चेन ऑफ इन्फेक्शन होती है ऑब्वियसली, उसको किस तरह से ब्रेक करना है, उसे किस तरह से हमने जो है प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है इन्फेक्शन को. ठीक है जी. जी बेटा, अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड ही शो की हुई है, इसलिए आप लोगों का फर्स्ट स्लाइड आ रही है. जो आपकी कोर्स आउटलाइन है दैट इज नॉट इन सॉफ्ट कॉपी, मैं आपके साथ वैसे ही डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है जी. ओके, डिजीजेस कन्वेड बाय इंजेशन, इंजेशन से जो जो डिजीजेस हो सकती हैं वो हम पढ़ेंगे. इनहेलेशन से डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं वो हम पढ़ेंगे. ट्रांसमिट हो सकती हैं, ट्रांसफर हो सकती हैं वो पढ़नी है बेटा. उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस होती हैं वो हमने पढ़नी है. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ना है. और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. देन ईपीआई, जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है, उस पूरे प्रोग्राम को हमने पढ़ना है. एंड जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के जो रोल्स हैं, क्या क्या रोल होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के, वो हमने डिस्कस करने. ये तो हमारे सारे यूनिट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि क्या हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ने के बाद क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो फुलफिल हो रहे होंगे. स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. ठीक है जी. उसके अलावा स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायनामिक्स, यानी सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो डायनामिक्स हो सकते हैं किसी भी कम्युनिटी के, और इन सारे कॉम्पोनेंट का कम्युनिटी के ऊपर, पॉपुलेशन की हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या असरात होते हैं. ठीक है जी. जी आयशा, मैं यही हूं. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही क्या आपको मेरी? अच्छा, इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन कम्युनिटी हेल्थ. देन जो हमारे की कंपोनेंट्स होंगे कम्युनिटी हेल्थ केयर अप्रोच के, प्लस कैरियर स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान, एंड आइडेंटिफाई द करंट इन्वायरमेंटल हेल्थ इशूज फेस्ड बाई कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन पाकिस्तान, कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल जो मेथड्स हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे, और इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी ऑब्वियसली एक नर्स जो है उसके, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के जो रोल होंगे, उसने किस तरह से अपने पेशेंट के जो, यानी देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर काम नहीं ना करती बेटा, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के ऊपर तो, नर्सिंग ही ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के ऊपर काम नहीं करती है. नर्सिंग आपको पता है प्रिवेंशन के लिए काम करती है. तो इसी तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर का फोकस होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यही होगा कि वो किस तरह से प्रिवेंशन के लिए काम कर रही है. तो ये सारी मैनेजमेंट नर्सेस की ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम कवर कर रहे होंगे इन आवर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कोर्स. ठीक है जी. अब ये यूनिट 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं. अभी यहाँ तक सारी बातें आपको समझा चुकी हूँ, किस तरह से आपने पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ, कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, एलएमएस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. अब कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी क्वेरी है किसी की, तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, तो फिर हम अदरवाइज हम फिर आगे इसको अपने लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करते हैं. किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले. ओके
ओके ठीक है, चलें। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट वन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे। इन द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, अच्छा LMS के बारे में। जी बेटा देखें, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर हम अपने लेक्चर्स कंटिन्यू कर लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन अगर आपको LMS और ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटा LMS है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम SELMS। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हुआ हुआ है। पोस्ट आर इन सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं फॉर द सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अभी मुझे उसका एक्सेस नहीं मिला है बेटा, जैसे ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक्सेस मिलेगा, आप सब ने भी सिंपल गूगल पे जाके शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लिखना होगा, ठीक है जी। आपका आपके पास शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, आप उसमें अपनी आईडी और पासवर्ड पुट करेंगे और आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। सेम मैं अब तमाम स्टूडेंट्स को उसमें इनरोल करूंगी। अगर अभी आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला है तो मैं कम्युनिकेट करूंगी मॉडरेटर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आप सबके आईडी पासवर्ड जेनरेट करके आप सबको मिल जाएंगे, आप लॉगिन होंगे और मैं मेरे पास एक्सेस होगा, मैं तमाम स्टूडेंट्स को उसमें इनरोल करूंगी। जब मैं तमाम स्टूडेंट को उसमें इनरोल कर दूंगी तो तमाम स्टूडेंट्स को उसमें होने वाली सारी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। जितने भी मेरे लेक्चर्स हुआ करेंगे, लेक्चर बेटा वेबिनार के ऊपर होंगे, वेबिनार जैम के ऊपर होंगे जैसे इस वक्त हो रहा है लेक्चर, उसके बाद मैं LMS के ऊपर अपनी PPTs को, ठीक है गुड मारिया अगर आप लोगों को मिल चुके हैं तो, फिर मैं उन तमाम PPTs को जो है जिस तरह से पढ़ाती जाया करूंगी, उसके बाद में उन PPTs को आपके LMS के ऊपर पुट कर दूंगी, आप वहां से जब भी पढ़ना चाहें उसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से लेक्चर्स के लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप जब भी पढ़ना चाहें उसे अपने लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर LMS के ऊपर आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स दी जाएंगी, आपको टेस्ट दिए जाएंगे, क्विज दिया जाएगा, वो सब चीज़ें ग्रेडेड होंगी और आपको उसे कंप्लीट करना होगा बिकॉज वो सारी चीज़ें ग्रेडेड होंगी, अदरवाइज आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट LMS, फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। डिफाइन कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हरम हमारा लॉगिन नहीं हुआ था, ठीक है बेटा, जिनका लॉगिन नहीं हुआ है मुझे व्हाट्सएप पे एक लिस्ट बना के सेंड कर दें, ठीक है, उन तमाम स्टूडेंट्स की जिनका लॉगिन का इशू है। तो अगर लॉगिन का जिसका भी इशू है, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे एक लिस्ट बना के दे दीजिए और सब्जेक्ट साथ मेंशन कर दीजिएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, तो मैं डिस्कस कर लूँगी एडमिन के साथ। एग्ज़ाम के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती मैं, ठीक है जी। ओके, ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं डिफाइन कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज, डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, वेलनेस, इलनेस एंड डिजीजेस, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, एंड लिस्ट द एसेंशियल फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कम्युनिटी सेटिंग। So, what is community? A group of people living in the same place or having a particular characteristics in common. Community क्या है? क्या definition है community की? किस चीज को community कहा जाता है? Community सबसे पहले तो ये clear कर लें जी, community एक group of people है, यानी एक लोगों का group है जो एक जगह पे रह रहा है और उनकी जो characteristics हैं वो common है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम एक ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबकी सेम नहीं हो सकती। ओके, यही चीज आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि नॉट ऑन इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, और उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, दैट इज सिंपली कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एक एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द एसएनसी कम्युनिटी, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं एसएनसी के अंदर, आपको पता है हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है,
पोस्ट और इन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेम इज़ द केस विद पोस्ट बेसिक के डिफरेंट कोर्सेज हैं स्पेशलाइजेशन के उसके स्टूडेंट्स हैं, देन बी एस एन जेनेरिक प्रोग्राम फोर ईयर्स, चारों क्लासेस के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं. इंडिविजुअल बेसिस पे एज अ ह्यूमन बींग उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, बट वेन यू आर कमिंग टू द कॉलेज यू आर टेकिंग क्लासेज लाइक यू आर टेकिंग फ्रॉम ए टू 4 PM और वेदर यू आर taking from 3 to 6, 7, 8 whatever is the time PM. So for the that particular time you are living at a specific place or aapki kya characteristics common hai, you all are students, you all are nursing students, you all are the student of Shalimar Nursing College, you all are the part of Shalimar Institute of Health Sciences. So is tarah ki particular characteristics jo logo mein common hoti hain us tarah ke group of people ko they are living at the same place is called community. ठीक है जी, आप बहुत कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम अपने मोहल्लों में रहते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिटी. डिफरेंट मजहब के लोग होते हैं, जैसे वी नो के हमारे पास जो माइनॉरिटीज होती हैं वो कम्युनिटी की शेप में जो है हमारे कंट्री में रह रही है ना. वैसे तो ओवरऑल एक हमारी जो मेजोरिटी है दैट इज मुस्लिम, तो ऑब्वियसली वो तो हर जगह मौजूद है, स्प्रेडेड है. कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो माइनॉरिटीज में आते हैं, तो वो आपको पता है कि चंक्स की फॉर्म में जो है वो वहां पे मौजूद हैं. सो इस चीज को कहा जाता है कम्युनिटी. क्लियर हो गया सबको? एक और डेफिनेशन देख लेते हैं. कम्युनिटी रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड हुज common interest or characteristics form the basis for a sense of unity or belonging. देखें further elaborate करके community की definition को यहाँ पे जो मैंने आपको अभी ऊपर दो लाइनें जो मैंने elaborate करके बताई वही सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं कि community जो है that is a collection of people, एक लोगों का collection है. ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और चीजें हमने एड ऑन कर ली कि हु इंटरैक्ट विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जिनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है. जैसे मैंने स्टूडेंट्स एग्जांपल दी, तो ऑब्वियसली आप सबका एक दूसरे, आपकी क्लास है, क्लास एक कम्युनिटी है, आप सबका एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन होता है. एंड हुज कॉमन इंटरेस्ट, जिनके कॉमन इंटरेस्ट, आप सबका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, आप सबका कॉमन इंटरेस्ट है एजुकेशन. फिर हम और स्पेसिफिक, ठीक है जी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, वो आपकी बेसिस बनाती हैं फॉर अ सेंस ऑफ यूनिटी. आपके अंदर यूनिटी एक दूसरे के साथ ताल्लुक बिलोंगिंगनेस को शो करता है. सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज ऑल आर द कॉम्पोनेंट्स विच मेक्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल अ कम्युनिटी. सो कम्युनिटी की डेफिनेशन से हमने क्या सीखा कि कम्युनिटी क्या है. कम्युनिटी वो है, वो ग्रुप ऑफ पीपल, उन्हें हम कम्युनिटी कहते हैं जो एक जगह पे रहते हैं, जिनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनका इंटरेस्ट सेम होता है उस जगह पे रहने का, और जो एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं, बिलोंगिंगनेस होती है, ताल्लुक होता है, यूनिटी होती है. होप सो के क्लियर हो गया होगा आपको व्हाट इज कम्युनिटी. एंड मैंने आपको शुरू में बताया आई वांट पार्टिसिपेशन. सो रहे हैं आप लोग क्या? किसी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा मुझे के समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यस मैम, फाइनली साइमा ने आंसर किया है. मैम आ रही है समझ? ठीक है जी, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. इट कैन बी अ सोसाइटी ऑफ पीपल होल्डिंग कॉमन राइट्स, कॉमन इंटरेस्ट, अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स और लिविंग अंडर द सेम लॉज एंड रेगुलेशन सच एज अ प्रिजन कम्युनिटी. द फंक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी इंक्लूड्स इट्स मेंबर collective sense of belonging and their shared identity, values, norms, communication and common interest and concern. देखें जी, एंडरसन एंड मैक
फेरलिन 2004, इन्होंने भी एक एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन्ड डेफिनेशन प्रोवाइड की है हमें कम्युनिटी की. वही सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने कहा है कि ये जो कम्युनिटी है इट कैन बी अ सोसाइटी. ये एक सोसाइटी हो सकती है जिनके राइट्स सेम होंगे, उनको प्रिविलेजेस सेम दिए जाएंगे. जैसे शहरी होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कराची सिटी की बात करते हैं, कराची एक सिटी है, ऑब्वियसली वहाँ पे रहने वाले तमाम सिटीजन्स के अपने, मैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो उनके कुछ राइट्स होते हैं ना बेटा, वो सेम होते हैं. इसी तरह से वो कुछ जो उनके कंसर्न्स होते हैं, उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, वो सेम होते हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं. जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दी कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स की, जैसे किसान है ना एक जगह पे काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट तो सेम ही होगा. और इसी तरह से दे आर लिविंग अंडर द रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन सेम होते हैं. जैसे मैंने एक प्रिजन कम्युनिटी की एग्जाम्पल आपको दे दी कि अगर कोई कैदी है वो जाहिर है उन सबके लिए रूल और रेगुलेशन जो है वो सेम होते हैं. तो आपको जैसे डेफिनेशन में पहले बताया था कि कम्युनिटी कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकती है. अब जिस जिस तरह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती जाएंगी उसी तरह से हमारे वो जो ग्रुप है वो डिफरेंट होता जाएगा. फंक्शन किसी भी कम्युनिटी के उसमें क्या क्या चीज़ें यानी फंक्शनल हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो यही हैं कि मेंबर्स होने चाहिए, उनके अंदर कलेक्टिविज्म होनी चाहिए यानी और बिलोंगिंगनेस शो करते हो वो, प्लस शेयर्ड आइडेंटिटी हो उनकी, वैल्यूज नॉर्म्स कम्युनिकेशन हो उनके दरमियान, और उनका इंटरेस्ट और कंसर्न जो है वो कॉमन हो. ऑल दो मोस्ट कम्युनिटीज ऑफ पीपल शेयर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस, इट इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज दैट हैव रेलेवेंस टू कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस: जियोग्राफिक कम्युनिटीज, कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कम्युनिटी का क्या है कि दे शेयर बहुत सारे यानी उनके चीज़ें हो सकती हैं, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जिसको वो शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, तो उसकी बेस पे हम कम्युनिटीज बना लेते हैं. लेकिन जो मोर स्पेसिफिकली तीन टाइप की हम कम्युनिटीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं विच इज़ मोर रेलिवेंट, जिसका ज़्यादा ताल्लुक है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस के साथ यानी हमारे सब्जेक्ट के साथ जिनका ज़्यादा ताल्लुक है, दैट वुड बी जियोग्राफिक कम्युनिटीज. जियोग्राफिक लेवल पे हम डिफरेंट कम्युनिटीज को डिफाइन कर सकते हैं. कॉमन इंटरेस्ट यानी उनके इंटरेस्ट कॉमन हो, इस तरह से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं. और हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी उनकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसकी बेस पर हम कम्युनिटीज को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. चलिए जी, कम्युनिटी हेल्थ क्या है? कम्युनिटी हेल्थ इज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. कम्युनिटी हेल्थ क्या है? ये बेसिकली एक डिसिप्लिन है जिसका ताल्लुक क्या है, कंसर्न क्या है, उसने क्या करना है, उसने स्टडी करना है और हेल्थ की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट कम्युनिटीज की उनको इम्प्रूव करना है. यानी कम्युनिटी हेल्थ एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसने डिफरेंट कम्युनिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी उनकी हेल्थ के लिए, डिफरेंट कम्युनिटीज की हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव करना है और उसकी प्रेजेंट हेल्थ को स्टडी करना है. सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ. कम्युनिटी हेल्थ टेंड टू फोकस ऑन जियोग्राफिकल एरियाज एंड इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर. जो कम्युनिटी हेल्थ है बेसिकली उसका फोकस क्या होता है, चूंकि कम्युनिटी मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली कम्युनिटी वैसे तो हमने कह दिया कि ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन कम्युनिटी बेसिकली किस जगह पे लाए कर रही है, किस चीज़ के ऊपर बन रही है, ऑब्वियसली जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर यानी जिस जगह पे हम रहते हैं, किस जगह पे हम रह रहे हैं उसी की बेसिस पर कम्युनिटीज बन रही होती है ना बेसिकली. तो मेन जो हमारा फोकस होगा कम्युनिटी हेल्थ का वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होगा, और उसमें हम उनकी तीनों किस्म की जो हमारी केयर है उसे, हेल्थ केयर है उसे हम डिस्कस करेंगे कि उस जगह पे उस जियोग्राफिकल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर किस किस्म की है, सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही.
सो ये कॉन्सेप्ट से कम्युनिटी हेल्थ के, कि जो कम्युनिटी हेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रही होगी, कि आपको फीवर हो गया, आपको कोई और प्रॉब्लम हो गया, आप कहें कि जी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर, कम्युनिटी हेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट या कॉम्पोनेंट आप कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ के, वो फिजिकल हेल्थ है सबसे पहले, उसके बाद इमोशनल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। इसमें जैसे फिजिकल हेल्थ है, यानी उसकी बॉडी से रिलेटेड, कोई उसे इंजरी हो जाती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फीवर हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं बेटा, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल हेल्थ के अंदर आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ जो है वो उसमें, यानी आपका यानी आपकी जो मेंटल हेल्थ के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो आपकी इमोशनल स्टेट क्या है, आप बहुत ज़्यादा जी तो इमोशनल हेल्थ जो है बेटा, इमोशनल हेल्थ यानी इमोशनल कंपोनेंट, आप जैसे आपको पता नहीं, स्टूडेंट कह रही हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली बिहेव करते हैं चीज़ों के साथ, सो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट नॉर्मल। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ। एंड सोशल हेल्थ यानी आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें सोशल हेल्थ में हमें डिस्कस करनी होती है। मोर स्पेसिफिकली क्लाइमेट का जो चेंज आ रहा है वो हम इन्वायरमेंटल हेल्थ में, वो भी ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आपका अपने मजहब के साथ कितना लगाव है, स्पिरिचुअलिटी जो है उसका क्या लेवल है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और आपकी मेंटल हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ आपको मालूम है कि मेंटल हेल्थ एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत वार सब्जेक्ट है, हम उसे पढ़ते हैं। सो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें किस चीज़ के अंडर आती हैं, ये सब आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ है, जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया, कम्युनिटी हेल्थ के कंपोनेंट या कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी इन सारे कंपोनेंट्स को हम कम्युनिटी हेल्थ के अंडर हमारा फोकस होता है, ये हम इसकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी तकरीबन इट्स 4:45, तो अटेंडेंस पहले मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अटेंडेंस मार्क करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 40 मिनट्स हो गए हमारी क्लास को। अटेंडेंस सब स्टूडेंट प्लीज़ अपना रोल नंबर साथ लिखिएगा, अदरवाइज बहुत इशू होता है, कुछ स्टूडेंट के नेम जो है दो दो तीन तीन स्टूडेंट एक ही नाम के हैं, सो प्लीज़ अपना रोल नंबर और प्रेजेंट का वर्ड लिख के मुझे अटेंडेंस मार्क करवाइए, फिर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम आगे मज़ीद पढ़ लेंगे। सोबिया अल्लाह बख्श, ओके, प्रेजेंट है सोबिया। आयशा तारिक, आयशा तारिक प्रेजेंट है, ठीक है। आयशा तारिक के बाद 16 प्रेजेंट, मारिया 16 पे मारिया की प्रेजेंट है, और मारिया के बाद साइमा प्रेजेंट है, साइमा का रोल नंबर है 32। ओके साइमा, आपकी भी अटेंडेंस हो गई। अच्छा, जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस हो गई है प्लीज़ दोबारा दोबारा मत नाम लिखिएगा, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। हरम 11 रोल नंबर, ठीक है जी, आपकी भी हो गई अटेंडेंस। 31 रोल नंबर, 31 पे है सबा, ओके सबा की भी अटेंडेंस हो गई है, और सबा के बाद 29 रोहिल, 29 आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, 21 मरियम सहर आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, उसके बाद 35 शाहिदा, शाहिदा 35, शाहिदा की भी अटेंडेंस हो गई है, फोजिया 8 पे फोजिया है, 8 पे फोजिया है, ठीक है जी। बस और कोई प्रेजेंट नहीं है, 21 स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं, और जस्ट ये 3 और 2 5, खुश नसीबा आई थिंक यही नाम है आपका बेटा, जो आपका रोल नंबर है वो ही आपने मुझे बताना है फिलहाल, ठीक है जी, जो आपके पास रोल नंबर है ऑलरेडी। 26 पे है नायला, 26 नहीं, 26 पे मेरे पास नायाब,
नायला बतूल बेटा क्लियर करें 20, हाँ ठीक है ओके सॉरी नायाब, ठीक है 26 पे नायाब आपका भी, 26 पे नायला बूटा शो हो रही है लेकिन मेरे पास तो नायाब शो हो रही है 26 पे, नायला बूटा है कोई स्टूडेंट, नायला बूटा भी है बेटा आपका 25 है नायला, मरियम जफर 20 रोल नंबर, मरियम जफर आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, फातिमा ठीक है गुलाम फातिमा ओके, ओके नायला आपका 25 है, मेमोना 23 पे मेमोना प्रेजेंट है, अच्छा आई थिंक नायाब एब्सेंट है, नायाब प्रेजेंट है तो बताएं बेटा, नायाब शुमाइला 37, शमीम शमीम तालिब ठीक है, शमीम आपकी भी अटेंडेंस हो गई, नायाब 26 ठीक है, नायाब आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, जल्दी जल्दी से अटेंडेंस लगवा लें बेटा, कहाँ है सब, 21 स्टूडेंट्स, ओनली 17 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन माई अटेंडेंस शीट, और जो अटेंडेंस मैंने अपने पास मार्क की है सिर्फ वही काउंट होगी, आप लोग अटेंडेंस मार्क नहीं करवाएंगे तो मार्क नहीं होगी, जी खुश नसीबा आपका यही रोल नंबर है 14, अब याद रख लीजिएगा जी, खुश नसीबा आपकी अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है, और किसी स्टूडेंट ने अटेंडेंस नहीं मार्क करवानी, चलिए जी अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, पब्लिक हेल्थ के बारे में पढ़ लेते हैं, पब्लिक हेल्थ क्या है, पब्लिक हेल्थ रिफर्स टू ऑल ऑर्गेनाइज्ड मेजर्स वेदर दे माइट बी पब्लिक और प्राइवेट, टू मेमुना खुदाबख्श, मेमुना रोल नंबर क्या है आपका, मेमुना मेमुना शकील नहीं, मेमुना खुदाबख्श कह रहे हो आप, मेमुना मरियम जफर आपका जी, मरियम आपका 20 रोल नंबर है, सुंदस ने अटेंडेंस मार्क करवाई है, सुंबल सुंदस, सुंदस गफूर आपका 40 रोल नंबर है, सुंदस आपका 40 रोल नंबर है, मरियम जफर हाँ अभी मैंने आपको जवाब तो दिया है, मरियम जी, मरियम आपका रोल नंबर 20 है, मेमुना 23 मेमुना ठीक है, मेमुना आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, 23 रोल नंबर है आपका, पब्लिक हेल्थ रिफर्स टू ऑल ऑर्गेनाइज्ड मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीजेस प्रोमोट हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ अमंग द पॉपुलेशन एज अ होल, इट्स एक्टिविटीज एम टू प्रोवाइड कंडीशंस इन विच पीपल कैन बी हेल्दी एंड फोकस ऑन एंटायर पॉपुलेशंस नॉट ऑन इंडिविजुअल पेशेंट्स और डिजीजेस, पब्लिक हेल्थ क्या है बेटा, पब्लिक हेल्थ रिफर्स टू ऑल ऑर्गेनाइज मेजर्स, यानी पब्लिक हेल्थ का काम क्या है, उसने सबसे यानी वो तमाम ऑर्गेनाइज मेजर्स, वो आपके पब्लिक सेक्टर के भी हो सकते हैं या फिर आपके गवर्नमेंट सेक्टर के भी हो सकते हैं, सॉरी प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या फिर वो प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, ठीक है जी, तो वो तमाम मेजर्स जो प्रिवेंट करें डिजीजेस को, हेल्थ को प्रमोट करें लोगों की, जो ऑलरेडी हेल्थ है एक स्टेट के ऊपर है, आपने हेल्थ कॉन्टिनम पढ़ा होगा, एक स्टेट के ऊपर हेल्थ है उसको मजीद प्रमोट करें, एंड प्रोलोंग द लाइफ अमंग द पॉपुलेशन, जो लोग हैं वहां मौजूद उस कम्युनिटी के जो लोग हैं
उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करें, बढ़ाएं एज अ होल। और वो तमाम एक्टिविटीज़, इन तमाम एक्टिविटीज़ का मकसद ये हो कि इस तरह की कंडीशंस हम लोगों को प्रोवाइड करें जो हेल्दी हो। देखें, अगर हम हेल्दी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे लोगों को पूरी पॉपुलेशन के लिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि इन्वायरमेंट हम अच्छा रखेंगे, हमारी फूड हम अच्छी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हमारी सैनिटेशन की फैसिलिटीज अच्छी होंगी, हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, और यानी हमारा इन्वायरमेंट ओवरऑल अच्छा होगा, यानी ये सारी चीज़ें तो अच्छी कंडीशंस में आ जाती है ना। तो अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग हेल्दी हों, और हमारा फोकस पूरी पॉपुलेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पेशेंट या फिर इंडिविजुअल डिजीज नहीं होगी, या ना तो एक शख्स हमारा फोकस होगा ना ही एक डिजीज हमारा फोकस होगी, ओवरऑल पॉपुलेशन हमारा फोकस होगी, और तमाम डिजीजेस जो के उस पॉपुलेशन में, उस कम्युनिटी में हो सकती हैं, वो हमारा फोकस होंगी। दैट इज कॉल्ड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ नाम से पता लग रहा है कि पब्लिक की यानी ओवरऑल लोगों की हेल्थ को डिस्कस करता है। पब्लिक हेल्थ, हमें समझ आ गई डिफिनेशन। पब्लिक हेल्थ इंक्लूड्स कम्युनिटी हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के अंदर ही क्यों कम्युनिटी आएगी बेटा? इसलिए क्योंकि देखें, पब्लिक हेल्थ ओवरऑल पब्लिक की हेल्थ है, फिर उसके अंदर आपको पता है डिफरेंट छोटी छोटी कम्युनिटीज हमारी होंगी, तो हम पब्लिक हेल्थ के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर हमारी कम्युनिटी हेल्थ आ जाएगी। पब्लिक हेल्थ इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलोंगिंग लाइफ, प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू द ऑर्गेनाइज एफर्ट एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ऑफ सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल। ये जो आपको यहाँ पब्लिक हेल्थ की मैंने डेफिनेशन दी है, दैट इज अ बुकिश डेफिनेशन। आपको शायद इसकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना होती, इसीलिए इसको ज्यादा एलैबोरेट करके मैंने ऊपर समझा दिया कि बेसिकली पब्लिक हेल्थ ओवरऑल लोगों की हेल्थ है, और पब्लिक हेल्थ क्या है, ये बेसिकली एक साइंस है, एक आर्ट है, जिसने क्या करना है, डिजीजेस से प्रिवेंट करना है लोगों को। अल्टीमेटली लोगों को डिजीजेस से प्रिवेंट करेंगे तो लोगों की लाइफ बढ़ेगी, प्रोलॉन्ग होगी उनकी लाइफ, उनकी जो हेल्थ है उसको हमने प्रमोट करना है। ठीक है जी, थ्रू द किस तरह से प्रमोट करना है, हमने कुछ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स करनी है। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है बेटा? यहाँ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना कि एक शख्स जो है वो एक डिजीज की प्रिवेंशन के लिए काम कर रहा है तो दूसरा दूसरे डिजीज की प्रिवेंशन के लिए काम कर रहा है, और उससे पहली वाली डिजीज के जो है ना दूसरी वाली पहली वाली डिजीज के स्प्रेड होने का कोई भी इस किस्म का खतरा है। तो इन सारी चीजों को हमने ख्याल रखना है कि ओवरऑल, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दूंगी कि अगर हम स्प्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया के लिए हम स्प्रेस कर रहे हैं या डेंगू के लिए हम स्प्रेस कर रहे हैं, तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि उस स्प्रे का कोई ऐसा स्प्रे यूज किया जाए कि वो उसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये ना हो कि उससे लोगों को एलर्जी होना शुरू हो जाए या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए। सो अल्टीमेटली हमारे इस तरह की ऑर्गेनाइज एफर्ट्स होनी चाहिए कि वो ओवरऑल हमारी सोसाइटी की जो हेल्थ है उसको अच्छा करने के लिए, यानी उसके आउटकम, हमारी सोसाइटी की हेल्थ अच्छी हो, हमारे सामने ये आउटकम्स आए। ठीक है जी, तो और उसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक आपकी पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो सकती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम कर सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स उसके लिए काम कर सकते हैं, कम्युनिटीज काम कर सकती हैं मिलकर, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी काम किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल हमारा मकसद क्या है कि हमने अपनी जो पब्लिक हेल्थ है उसका मकसद यही है कि हमने ओवरऑल जो लोगों की हेल्थ है उसके लिए हमने काम करना है। ठीक है जी, अब 2 से 3 मिनट रह गए 5 बजने में, तो हम इसको थोड़ा सा, आपको जो आज मैंने कुछ पढ़ाया, इंशाल्लाह अब आगे क्लासेस होती रहेंगी, तो होप सो कि हम अच्छा सा इसको लेके चलेंगे। टाइम है हमारे पास, अभी वेस्ट नहीं करना है बेटा, ये चीज़ें सब बहुत क्लियर कर लें कि आप लोगों को, आप ये समझें कि ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुए हैं तो इसका कोई कोई बेनिफिट नहीं होगा, या जस्ट फॉर द स्पेंडिंग द टाइम हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जब इंशाल्लाह कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो आपको यहीं से कंटिन्यूएशन करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे या फिर बिल्कुल स्टार्ट से आपका कोर्स स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ सब स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। LMS के बारे में मैंने आपको बताया, हमने कोर्स कंटेंट अपना डिस्कस किया कि हमने कम्युनिटी हेल्थ पढ़नी है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ट्रॉपिकल डिजीजेस पढ़नी है, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, EPI प्रोग्राम पढ़ना है, इन्वायरमेंट का हमारी सेहत के ऊपर क्या असर हो रहा होता है उसे हमने पढ़ना है, और प्राइमरी हेल्थ केयर को हमने पढ़ना है। ये सारा हमारा कॉन्टेंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, कम्युनिटी क्या होती है,
देन हमने आपको बताया कि पब्लिक हेल्थ क्या होती है और पब्लिक हेल्थ का क्या बेसिकली मकसद है या फोकस है। ठीक है जी, तो अभी आप लोग की कोई क्वेरी है, जहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ यहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो 1 से 2 मिनट है मेरे पास, आप मुझसे पूछ लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने अभी बताया खुशनसीबा लेक्चर आपको मिलेगा, लेकिन अभी आपने पढ़ना है। ठीक है बेटा, जो पढ़ा रही हूँ उसे पढ़ें, नोट्स लेने की कोशिश करें, फुल डिपेंडेंट नहीं होना कि मैम की पीपीटीज ही मिलेंगी, मैम का लेक्चर ही मिलेगा। ठीक है, इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। आप बीटी की बुक यूज़ कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए, वैसे तो आप कोई भी बुक्स यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बीटी की बुक यूज़ कर लें, मैं फर्दर आपको रेफरेंसेस दे दूंगी बुक के। ठीक है, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह थोड़ा सा सडन चीज़ें थी, थोड़ा टाइम कम था, तो मैं फर्दर आपको गाइड कर दूंगी। और लेक्चर, अभी मेरे लेक्चर पे फोकस कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें, पीपीटीज आपको मिलेंगी, लेक्चर बिल्कुल मिलेगा, LMS के ऊपर लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं और डाउनलोड करना चाहें या जो भी, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे पहले। ठीक है जी, चलें, टिल देन आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुझे स्टूडेंट्स की कोई अटेंडेंस रह तो नहीं गई, मेरे पास अभी भी देखें बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 स्टूडेंट की मेरे पास अटेंडेंस है और मेरे पास 21 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। आई डोंट नो किसने अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई, बार बार पूछ रही हूँ लेकिन कोई नहीं बता रहा। चलें जी, ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज।